उफ, सुबह उठना कितना मुश्किल हो जाया करेगा। यहाँ पे हमें डॉलर मिला नजर आ गया तो हम मेले में जा रहे हैं। वाह, ज्वेलरी भी है। इतनी देर हो गई ना कि बस 5 बजने वाले हैं। हमारी ईद की शॉपिंग भी हो गई है जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हम जो है वो अभी जा रहे हैं जैवी को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि जो है ना उसको डॉक्टर के चेक करवाना है और मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो अब बस अफ्तारी हमने कर ली हुई थी। हाय हाय। तो अभी जी हम जा रहे हैं जैवी को डॉक्टर की तरफ लेके, क्योंकि उसके जो है वो हैंड्स फिर से थोड़े से ख़राब हुए हैं। फिंगर्स वगैरह एक हैंड की ना एक दो फिंगर्स हो गई हैं, तो मैंने कहा अब फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या दवाइयाँ वगैरह देते हैं। और अब कहते हैं उनको कि सही से जो है वो चेकअप करें इसका, कि क्या चक्कर है। तो बस अब उधर ही निकल रहे थे, तो अब रेडी होते हैं जाने के लिए। सुस्ती सी हो रही थी अफ्तारी करने के बाद, लेकिन अब ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट ली हुई है तो वहाँ भी जाना है। तो जी आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने करना है जी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो कर दें लाइक शेयर कमेंट। तो आप जी चलते हैं और जैवी को रेडी करते हैं, शूज़ वगैरह पहनाती हूँ उसको और फिर चलते हैं, क्योंकि वो घंटा ही बैठती हैं सिर्फ, क्योंकि ज़ाहिर है अब टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो जल्दी से चलते हैं। बेबी उठ जाओ, शाबाश, कम ऑन। है उठा रही हूँ, उठ नहीं जा, कहते नहीं जाना, नहीं जाना, चले ना, शाबाश। ओहो चलो शाबाश, आ जाओ। चले जी फिर से हमारी जीप आ गई है। चलते हैं साइड पे हो जाए। चले भाई, डॉक्टर के गए थे और उसके बाद वहाँ से वापस भी आ चुके हुए हैं, और ये देखे ये दवाइयों का ढेर मैं लेकर आई हूँ। तो खैर प्रॉब्लम बस यही है कि इसका खाने का, कि ये जो है वो अपनी डाइट अच्छी रखे। इम्यून सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि अब इसमें एक दफ़ा जो है वो अब ये ऐसी एलर्जी वाली बीमारी चली गई हुई है, तो वो सिर्फ इसके इम्यून सिस्टम से ही बेहतर होगी। तो जब तक इसका इम्यून सिस्टम ही ठीक होगा तब तक इसका ये मसला भी हल नहीं होगा, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो अब इसका खाने पीने का, भूख की दवाई पिलाना, ये वो वाइटामिन वगैरह इस तरह की चीज़ें दी हैं डॉक्टर ने। अब वो तो वैसे तो जनाब सो गया आते साथ ही, गाड़ी में ही सो गया था पहले ही ना, क्योंकि इसको तो नींद आई हुई थी, सुबह सुबह का जागा होता है, तो ये सो गया। तो मैं जो है वो दवाइयाँ वगैरह ले आई हूँ, सुबह से पहला स्टार्ट करूँगी, लगाने के लिए भी दी हैं उन्होंने, खाने के लिए भी दी हैं। मैं जो है वो जैवी को दे आई हूँ, सारी दवाइयाँ वगैरह पिला दी है मैंने, उसके हाथों पर भी क्रीम शेप लगा दी है, आयुष्मान को भी मेडिसिन वगैरह दे दी हैं, उन दोनों को मैंने पासे लगा दिया है। तो अब जो है ना मैं खुद जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, उसके बाद सोऊंगी और फिर मिलूँगी आपसे सुबह सहरी में। चले भाई मैं उठ चुकी हूँ सहरी के लिए और अब बनाते हैं जी सहरी। तो आज मैं फिर खाऊंगी जी ऑमलेट और साथ में रोटी, क्योंकि उससे ना मुझे बड़ा अच्छा फुलफिलिंग सा लगता है, मेरा पेट भी भर जाता है और ऐसा फील होता है जैसे ना अच्छा हेल्दी खाया हुआ है। तो आज जो है ना फिर मैं दोबारा से वही खाऊंगी, तो बस एक ही एग का हम ऑमलेट बनाएंगे आज और छोटी सी रोटी। ठीक है जी, चले भाई ऑमलेट हमारा रेडी है और आप जो है बस को इसमें डालते हैं। तो चले भाई मेरी सहरी तो रेडी हो गई हुई है और दिल अभी सो रहे हैं, तो बस अब सहरी करते हैं। तो चले जी मैंने अपनी सहरी कर ली है और दही भी मैंने खा ली है, अब मेरी चाय रह गई है और यहाँ पे ये लोग भी उठ गए हैं, पहले तो बैठे हुए सो रहे थे, अब उठ के फोन यूज़ कर रहे हैं जी। आज मैंने ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी सहरी कर ली है, बहुत जल्दी आई हुई थी मुझे सहरी करने की, फटाफट उठने की, पहले जल्दी से उठ के मैंने सहरी मना के सहरी भी कर ली है, और अभी अच्छा खासा टाइम है पड़ा हुआ, तो चले आराम आराम से चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं सहरी। और यार अब तो ठंड ठंड सी मुझे लग रही है, वैसे तो
पहले ज़्यादा लगती थी लेकिन आज मुझे ठंड लग रही है। जी कह रहे मुझे पसीना आ रहा तो मैं ठंड लग रही हूँ। मैं कहा भाई मुझे तो ठंड लग रही है। तो खैर आगे तो सर्दियों के ही रोज़े आया करेंगे तो सुबह उठना कितना मुश्किल हो जाया करेगा। अभी तो ये मौसम तो अच्छा है, बड़ा आसानी से उठा जाता है सुबह, लेकिन उसके बाद जो आगे रोज़ रमज़ान आता रहेगा तो सुबह सहरी में उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब मैं छोटी होती थी ना अरशवान जितनी, तब सर्दियों में रमज़ान आया था और तब मैं शौक से कहती थी मुझे भी उठाना है, और तब सर्दी होती थी और बस बेड पे ही बैठ के ऊपर रजाई लेके तो उधर ही हम चूरी खाया करते थे। अरशवान से तो थोड़ी बड़ी होंगी मैं, क्योंकि उस टाइम मैंने बाद में रोज़े रखना स्टार्ट कर दिए थे, तो फिर मैं सर्दियों में उठ के जो है वो खाया करती होती थी सहरी। तो बड़ी सर्दी लगती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। तब तो अम्मी खैर बना के ला के सामने रखती थी, उसके बाद हम खाना शुरू करते थे। तो अब तो खुद उठना पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, उसके बाद खाना पड़ता है। पहले मज़े होते थे, जैसे अभी इनके मज़े चल रहे हैं, बस ये उठते हैं बैठे खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं। हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही करते होते थे, अम्मा ला के रखती होती थी तब हम बैठ के खा लेते थे। चले भाई रोज़ा रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब चलते हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है जी, दिन ने लाइट ऑफ कर दी थी, लाइट ऑफ कर मुझे सोना है, सो गए। चलिए अब चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए अभी सुबह हो चुकी है और बच्चे जो है वो उठ गए हैं। अरशवान को सुबह सुबह उठ के बुखार लग चढ़ा हुआ था इतना ज़्यादा, मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी हैं अभी, तो अभी देखो लाल हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है। और इस बच्चे को भी इन दोनों को जो है मैंने अरे चोट लग जाएगी, इन दोनों को दवाइयाँ शवाइयाँ दे दी अभी मैंने, दवाइयाँ पी ली इन्होंने। चलें जी, इसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया है, उसके बाद डैडी को नहलाया जल्दी जल्दी। तो अभी हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए। अम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो कही थी कि चलो मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो चले सकते हैं। तो वो दोनों तो अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो बस हम जो है वो निकल रहे हैं। चलिए भैया अब हम निकल चुके हैं। तो जैवी का मेकअप केक लाई थी, उसको हमने रास्ते में खिलाया है। ना दो के बेबी रेडी हो गया है, बस अब हम जा रहे हैं। तो ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं करनी, थोड़ी सी चेक करेंगे, अगर हमें कुछ अच्छा लग गया तो ले लेंगे, अगर नहीं लगा अच्छा तो नहीं लेंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं, जाके फिर मिलते हैं आपसे। चले भाई पहुँच गए हम लोग, चलते हैं अब अंदर। और ये लड़का, मैं इसकी पानी की बॉटल लेकर आई हूँ और ये मुझे पकड़ा दिए, मैं तो पानी पकड़ूँगा। चले मुन्ना मेरा मुन्ना। चले भाई 275 यहाँ पे हमें डॉलर मिला नजर आ गया, तो हम मेले में जा रहे हैं। मेला ये चेक करो क्या मिला है। आहा ओहो, इधर तो बड़ा कुछ लगा पड़ा है। गाइस रोज देखो, ओ वाह वाह, ओहो ये तो हम टॉयज के सामने आगे खड़े हो गए जी बेटे। वाह ज्वेलरी भी है। ओह वाओ ये कितना प्यारा है, वेरी नाइस, ये भी अच्छे हैं। वाओ यार ये बहुत अच्छा, ले लो मैं तो कहती हूँ। हाँ वो मैंने मेरे उसमें छोटे क्या लगना है, लगा लगना इसमें पता है क्या। वाओ ये देखो ये देखो ये भी अच्छे हैं। हाँ इसमें ये ग्रीन भी है, ये देखो ये भी अच्छे, ये देखो हम पागल से ये कहाँ रखेंगे। ओ ये हम उठा लेंगे। इधर नहीं आना आपने, अच्छा चलो जा रहे हैं। ये बास्केट कितनी अच्छी है, आई लाइक दिस बास्केट। चलो भाई आते साथ ही हम लोग डॉलर शॉप पे चले गए। तो अब वो जो चीज़ें हैं ना वो हम बल गई गाड़ी में रखवाने के लिए, तो अब हम जो है वो ऊपर चलते हैं। हमने पहले ही अपना पूरा घंटा यहाँ पे लगा दिया, अब ऊपर चलते हैं। मैं जा रही हूँ अंदर, पीछे पीछे आने के लिए। अभी हम आए हैं जी लाइम लाइट पर, देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिल जाए, बट अभी हम काफ़ी देर से फिर रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा। ये जो बेबी है ना इसे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, ये कहता है उठा के रखो उठा के रखो। खैर अब हम उठा के रखें या कुछ शॉपिंग करें क्या करें, बड़ा तंग कर रहा है। गंदा बच्चा, यही गंदा बच्चा। भाई बेबी को मैंने फ्राइज़ ले दिए हैं, साथ में जूस ले दिया है। ठीक है मेरी बेबी को भूख लगी हुई थी ना आज। और इधर ये जो है वो बेडशीट्स देख रही है यार, ये अच्छी है, मुझे भी बड़ी पसंद आ रही है।
चले भाई, जैवी ने तो जिद कर करके उसने कहा मैंने प्ले एरिया में जाना है जाना है जाना है। अब वो प्ले एरिया में चला गया, तब से जब से आया मूड खराब किया है उसने जान के। हाँ कि बस मुझे उधर भेज दो तो सब कुछ ठीक है। तो हम फ्री हो गए थोड़े सा, लेकिन हमारे पास टाइम पड़ा थोड़ा, तब हम एक और डॉलर शॉप पर जा रहे हैं। एक और डॉलर शॉप पर घुसा है, हमें घुसना पड़ गया। हाँ अब हम क्या करें, क्या मैं तो ढूंढ रही हूँ वो मिल जाए मुझे। चले जी हम अब घर जा रहे हैं, और इतनी देर हो गई ना कि बस 5 बजने वाले हैं, और रोजे की तैयारी भी है, तारी की तैयारी भी कर रही हूँ। अब तारी की तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की, कल मैंने सब कुछ ख़त्म करा दिया था दिन से, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं हुआ, और जाके सारी तैयारी भी करनी है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं घर। चले भाई घर आ गए हम लोग, और घर आके फटाफट नमाज वगैरह पढ़ी है, अब हम अफ्तारी की तैयारी करने जा रहे हैं। ये जनाब तो यहाँ पे मस्त होके लेटे हुए हैं। हेलो चले भाई हम चले चल के अब किचन में अफ्तारी की तैयारी करते हैं। चले जी मैंने जो है ना जल्दी जल्दी आके आलू के पकौड़े भी बनाए, मैंने साथ जो है वो चाट भी बनाया, फ्रूट चाट और चना चाट। आज मैंने ब्लैक चने की चाट बनाई है, और साथ है ये जी आलू के पकोड़े, साथ ये बेसन वाले भी क्या गए पालक वाले पकोड़े, ये तो मिक्स वाले भी बन रहे हैं, और अभी यहाँ पे वो रोल वगैरह भी बन रहे हैं। तो बस अब बैठ जाते हैं, पानी वगैरह पानी आ रहा है। हाय सब रोज़ा लगा है मुझे आज, शदीद वाला रोज़ा लगा है, बड़ा खुश हुआ मैं। तो चले भाई अफ्तारी वगैरह कर ली थी, और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रही थी, और मुझे लग रहा है कि मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा गला ख़राब हो रहा है, पता नहीं ये क्या है यार, मौसम की वजह से ना इतना ज़्यादा, बच्चे भी बीमार मैं भी बीमार हो रही हूँ, फिर से गला ख़राब हो जाता है, हर 2-3 दिन बाद फिर से गला ख़राब हो जाता है, मेरी आवाज़ जो है ना बिल्कुल निकल ही नहीं रही, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो अफ्तारी वगैरह हो गई थी माशाल्लाह बड़ी सही, जल्दी जल्दी आके मैंने चीज़ें बनाई हैं तो अच्छी बन गई थी। तो खैर जी अब बच्चे जो है वो लेटे हुए हैं यहाँ पे, जैवी तो सो गया है, तो यहाँ पे जी अशमान को भी बुखार चढ़ा हुआ है, ये देखिए लाल सुरख हो रहा है, अब इसको मैंने दवाई वगैरह दे दी है। फ़ोन बंद करें बेटा सो जाए, और जैवी तो कब का सो गया, जैवी की भी तबीयत मुझे इतनी सही नहीं लग रही, हाथ तो चलो है ही है ख़राब, लेकिन उसकी नोज़ी वगैरह जो है ना वो मुझे लग रहा है। दे दो जी, शुक्र है फाइनली सो जाओ। अब जो है ना मैंने उनको दवाई शवाई दे दी है सारी, तब बच्चों को जो है वो मैं सुला रही हूँ, मैंने कहा चलो सो जाओ तुम लोग, अब जैवी तो खैर सो गया हुआ, आशमान को भी मैंने कहा सो जाओ, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है अभी, तो अब ज़ाहिर है बुखार की वजह से सुबह भी स्कूल नहीं जाएगा, तो दोनों को ही नहीं भेजूँगी क्योंकि दोनों की तबीयत सेट नहीं है। दुआ कीजिएगा बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो ठीक हो जाएँ, खैर आजकल तो ये मौसम ऐसा है ना, मौसम की वजह से सब बीमार हो रहे हैं, तो मेरी खुद अपनी तबीयत जो है ना वो भी ख़राब हो रही है, तो बस दुआ में याद रखिएगा। तो खैर जी बाकी शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई है, ईद की शॉपिंग, वैसे तो मैं ईद की शॉपिंग करने गए ही नहीं थे, हम लोग वैसे ही गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी अम्मा ने देखनी थी तो हम वैसे ही गए थे, लेकिन ये होता है ना कि जब आप कुछ लेने जाते हो स्पेशल तो कभी वो चीज़ तो मिलती नहीं है, लेकिन आप जो लेने नहीं जाते तो वो चीज़ें मिल जाती है, तो ऐसा ही हुआ है कुछ मेरे साथ भी आज, मैं ईद की शॉपिंग तो करने गई नहीं थी लेकिन ईद की शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट जी, मेरी भी हो गई है और बच्चों की भी होगी। अच्छा मैंने जो है वो ऐसे लिया है ड्रेस के, चलो अगर मुझे कुछ और नहीं पसंद आया तो फिर मैं वो पहन लूँगी, और अगर मुझे कुछ और अच्छा लग गया तो फिर मैं वो ले लूँगी। तो वो मैंने ज़रा बस मुझे अच्छा लग गया था तो मैंने ले लिया, हो सकता है वो मैं ईद पे ही पहन लूँ, तो खैर वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो तो आप लोग ईद पे ही देखिएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने बाकी शॉपिंग देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर कर दूँगी, कुछ मैंने डॉलर स्टोर से चीज़ें वगैरह ली हैं तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है जी अब चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो ऐसे कर दे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।